चलिए हाँ, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन के अंदर हमने देखा था कि सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, और जितना भी वैल्यू गिरती है, मतलब अगर मान लो 100 रुपये गिरी तो मैं उसको कहाँ दिखाता हूँ, PNL या बैलेंस शीट? PNL, क्योंकि वो मेरा खर्चा हो जाता है। कैश एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। और मैंने देखा था कि सर अलग अलग रीजंस होते हैं सर वैल्यू गिरने के लिए, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, थ्योरेटिकल बातें थी। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस क्या होता था? किसी चीज़ का बिल्कुल ही आउटडेट हो जाना, है ना, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल ही गायब हो जाना। फिर हाँ जी, नहीं मतलब उसके लिए तो फिर, मतलब अगर डिफेक्टिव है ना, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी, आप ये कह सकते हो चलो उसकी वैल्यू गिर जाती है कि वो रीसेल नहीं हो रही, तो आप कह सकते हो दैट कैन ऑल्सो बी रीज़न, है ना, बट वो ऑब्सोलेंस नहीं होता, है ना, ऑब्सोलेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा था सर, मैंने आपको बताया था कि सर हमारा डेप्रिसिएशन में क्या है, मोटा मोटी पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो याद है हमने एसेट को परचेज करा था, हमने एंट्रीज डाली थी साल के एंड में, फिर अच्छा एसेट परचेज करने की क्या एंट्री थी, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट टू अगर क्रेडिट पर है तो वेंडर, हाँ मुझे लगा क्रेडिटर बोला, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक अगर सिंपल रख लूँ, और डेप्रिसिएशन सर उसी दिन लगा देंगे या साल के एंड में? साल के एंड में लगता था जी, सारी की सारी वैल्यू, 100 रुपये का फिक्स एसेट तो 100 रुपये डेप्रिसिएशन। सर एक मेथड होता था, वो हमने मेथड देखे थे, कौन सा मेथड देख लिया था? SLM मेथड देख लिया था। बट मैं अभी तुम्हारा ना जर्नल एंट्री डेवलप करूँगा। आपको पता है हमने ना बच्चे ऑल्टरनेटिव नंबर 1 समझ लिया था, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 क्या था, जो भी एंट्रीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ ये हमने एग्जाम्पल बनाया था, और आपकी स्क्रीन पर जैसे जो क्वेश्चन है, सॉरी सोल्यूशन है, हमने 12 लाख का फिक्स्ड एसेट खरीदा था फिक्स्ड एसेट टू बैंक, और साल के एंड में एंट्री क्या डाल रहे थे हम, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दिया था सर जी? सर सब बच्चों ने ये वाला एग्जांपल नोट करा हुआ है रजिस्टर में, हो गया अभी या अभी बच रहा है? विशाल ने कर लिया, इधर गोपाल ने कर लिया, लाए हो रजिस्टर आपने? मैडम निहल जी, निहल ने नहीं करा भी लग रहा है, और दिव्यांशी ने, निशान कर लिया रजिस्टर? घर पे है, इधर है, घर पर है, फिर वो समझ गया मैं कौन सा कर लिया, वो वाला, वो तो इन दोनों ने भी कर लिया वैसा वाला तो, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चों ने नोट करा हुआ है? अच्छा चलो सही है, साथ साथ नोट कर लेना, मतलब कोशिश करना, ठीक है। मैं ना बच्चे सेम एग्जांपल ले रहा हूँ एकदम, जो पहला केस था ना सेम, लेकिन इसको हम ना दूसरे ऑल्टरनेटिव से करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव बोले तो, चलो यार एक और एग्जांपल बना देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं उसको, दोनों उससे करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल के बाद तुम जर्नल एंट्रीज में एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे कि ठीक है तुमको जर्नल एंट्री समझ आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा रखूँगा, सर मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज करा है 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, और सर जी इंस्टॉलेशन का खर्चा है 10,000 रुपए, ठीक है साहब, सैलवेज वैल्यू है 10,000 ही मान लो, एसेट की लाइफ है 5 ईयर्स, हाँ जी जल्दी बोलो मैम, जल्दी बोलो, एक मिनट रुको, मैं अभी क्लास में था, रिकॉर्डिंग थी, हाँ हाँ बोलो, चलिए आ जाओ बच्चे, स्क्रीन दिख रही है ना सब बच्चों को? हाँ ठीक है, चलो सर लाइफ कितनी है सर जी? 5 साल। अच्छा अगर मैं मेथड ना लिखूं तो कौन सा मेथड है? SLM ही है, समझ रहे हो, मतलब अगर रेट में दे ही नहीं रहा ना तो मैं, तो बेसिकली कौन सा मेथड हो गया? SLM।
तो चाहे पेपर में बेटा हो सकता है लिखा हो सकता है ना लिखा हो, मेथड कौन सा है जी हमारा? एक्सेलेंट सर, कुछ डेट्स बता दो कौन सी डेट को परचेज करा। लाइफ को एकदम सिंपल रखेंगे, मेरे को तुमको जर्नल एंट्रीज के एंगल से बताना है। मान लो 1/4/19 सर, आपने जो एसेट परचेज करा है वो 1/4/19 को परचेज करा। ऑन 30/9, 19/20, 21/22, 23 फिक्स्ड एसेट वॉज सोल्ड फॉर 70,000। ठीक है बच्चे, बेसिकली मैंने कुछ एसेट यूज करा एक लाइफ तक और फिर मैंने उसको बेच दिया। ठीक है सर जी, क्या आप इसकी जर्नल एंट्री डाल सकते हो? यस, डल जाएगी। याद है वो अल्टरनेटिव नंबर 1 की, तो तुम डाल दोगे, तो मैं आप ही को अभी टाइम दूंगा। लेकिन आपने इसको सॉल्व कैसे करना है समझना, आपने ना क्या करना है बच्चे, जब आप सॉल्यूशन करोगे अपने रजिस्टर में ना, ये लिखना अल्टरनेटिव नंबर 1 और ये है जी आपका अल्टरनेटिव नंबर 2। ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर 1 कौन सा है? आप एसेट परचेज करो जो एंट्री डालते हो डेप्रिसिएशन, जो तुम सीख चुके हो। और दूसरा अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव 2 सर, ये कौन सा होता था बेटे? ये तुम स्कूल में भी करके आए हो, याद करो बेटा। करेक्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है कुछ कुछ करा था स्कूल में? याद नहीं आ रहा, कोई बात। ठीक है, आप एक बार शुरू कर दो अल्टरनेटिव नंबर 1 से एंट्री डालनी है ना। कब तक डालेंगे? देखो परचेज कर लेंगे, 19/20 की डेप्रिसिएशन की भी एंट्री डल जाएगी, 20/21, 21/22, 22/23। ठीक है, और 23/24 में जाके मैंने इसको बेचा है ना। तो हर साल की बच्चे आपको एंट्री डालनी है। चलिए ऑनलाइन भी डालना बच्चे, सारे बच्चे, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है ऋषिका जी, अगर कोई डाउट है, रौनक कोई डाउट है ना, कोई ऐसा बच्चा है ऑनलाइन में जिसकी फर्स्ट क्लास है? यस सर। ऋषिका की, ठीक है। तो ऋषिका अभी ये वाला सॉल्व कर पा रहे हो? मैं कराऊं बच्चे एक बार, ट्राई कर रहे हो? आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं कराता हूँ, ठीक है, साथ साथ ही कराता हूँ मैं। ठीक है ऋषिका जी, आपको ये पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो हमने बेसिकली एक एसेट खरीदा है और उसके बाद हर साल डेप्रिसिएशन लग रही है। तो आइए एक बार सबसे पहले मैं इसको ना इधर नीचे, तो वो नहीं, आइए सबसे पहली एंट्री में परचेज की डालूंगा और वो एंट्री है 1/4/19 की। तो ऋषिका जी आपके हिसाब से परचेज की हम क्या एंट्री डालते हैं अगर हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो? ट्राई करो, एसेट टू कैश मे बी। हाँ करेक्ट, ठीक है, एसेट की जगह आप बस ये बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट टू बैंक बोल दो, ठीक है, मतलब कैश ही बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। कितने रुपए का एसेट है? अच्छा सर हमारा जो एसेट है वो तो 1,00,000 का है, लेकिन सर जी उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा है, तो इंस्टॉलेशन खर्चा ना बेटा एसेट की कॉस्ट में ही जुड़ता है ना।
तो इसका मतलब मेरा एसेट का कॉस्ट कितना हो गया, 1,10,000, क्योंकि जब तक एसेट तैयार नहीं होता ना तब तक सारा का सारा खर्चा क्या होता है, एसेट की कॉस्ट में जुड़ता है। अब सर हमने एसेट परचेज कर लिया है तो अब डेप्रिसिएशन लगानी होगी, क्योंकि एसेट की वैल्यू गिर जाती है, तो डेप्रिसिएशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लगती है लास्ट ऑफ द ईयर में लगती है? लास्ट डे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, ट्राई करो। डेप्रिसिएशन ना मेरा खर्चा होता है तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है, एंड डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, तो अगर एसेट की वैल्यू गिर रही है तो फिक्स्ड एसेट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है सर कितने रुपए से करूं, कितने रुपए वैल्यू गिरी? तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है और एक लॉजिकल होता है। आपने एक एसेट खरीदा है 1,10,000 का, आपने एक एसेट खरीदा हुआ है 1,10,000 का, और उसकी सैलवेज वैल्यू, देखो मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट से खरीदा 10,000 का, और सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओगे? सैलवेज वैल्यू क्या होती थी? स्क्रैप वैल्यू, कि जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, जो कि लाइफ क्या है 5 साल, कि भाई मैं 5 साल का इतने का बेच पाऊंगा, है ना, यही होता। हाँ दोस्त, हाँ नहीं, ओपनिंग एंट्री नहीं डालनी, ठीक है? तो 5 साल उसकी लाइफ है, लेकिन 5 साल बाद वो कितने का बिक जाएगा, 10,000। तो मेरे दिमाग में है कि भाई मेरा जो खर्चा है ना, मेरी जेब से तो 1,10,000 गया, पर 10,000 रुपये मेरे को इन फ्यूचर हो सकता है मिल जाएंगे, तो टेक्निकली मेरा खर्चा 1,00,000 का है, और इस खर्चे को बेटा मैं लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना, 1,00,000 का खर्चा 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो कितने रुपये आ जाएगा, 20,000 रुपये पर ईयर, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। तो इसका मतलब पहले साल आपका जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगा जी 20,000 और 20,000, है ना। निकाल दिया प्रॉफिट और लॉस, कितना है प्रॉफिट, 50,000, देखते। और एक एंट्री में और डालूंगा 31/3/20 को, एसेट सोल्ड था दोस्त 30/9/23 को, ठीक है? तो 31/3/20 को मैं क्या डालूंगा एंट्री, PNL टू डेप्रिसिएशन 20,000 और 20,000। मुझे बताइए पहले फर्स्ट ईयर का, आई थिंक सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है? मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ, एक मिनट बस, और मैं इसके नीचे वाला डाल दूँ। आइए सर जी, मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, कोई डाउट अगर ऑनलाइन में भी हो ना किसी बच्चे को पूछ लेना। अब मैं अगले साल 2021 में क्या करूँगा, 2021 में मैं करूँगा साल के एंड में 31/3/21 को दोबारा से एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, कितना अमाउंट, 20,000। सेम क्यों, क्योंकि सर SLM होता है और SLM में डेप्रिसिएशन सेम रहती है, ठीक है जी, 20,000, बहुत सही। और सर जी हम साल के एंड में इसको डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, PNL में, PNL टू डेप्रिसिएशन, ओके। क्या हुआ मैडम, डाउट आ रहा है, क्लियर है? क्या डाउट है, पूछ लो पूछ लो, पूछने की रखी। ईयरली डेप्रिसिएशन है ना, आपका एसेट कितने का था, 1,00,000 का, इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन तो ऐड होती है ना, इंस्टॉलेशन का खर्चा, तो आपका और खर्चा बढ़ रहा है ना, तो 1,10,000 का हो गया, समझ रहे हो? तो 1,10,000 हुआ, और सैलवेज वैल्यू माइनस करी हमने -10,000, तो 1,00,000 हुआ डिवाइडेड बाय 5, तो 2021 हो गया। सर क्या हमने एसेट बेचा 21/22 में, नहीं बेचा बेटे, तो आपको आराम से 31/3/22 को भी एंट्री डालनी है बस, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और एक और एंट्री इसको तुम कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, PNL टू डेप्रिसिएशन, कितने रुपए सर जी, 20,000। सब बच्चों को क्लियर है, यश क्लियर है,
रौनक, यस ऋषिका, क्लियर है? यस सर। सर 21-22 हो गया, अगला साल है हमारा 22-23। 22-23 में मैंने बेचा है क्या, एक बार चेक करके बताओ। 22-23 में बेचा है? ये धोखा हो जाता है बेटा, हमारे दिमाग में ना डेट आती है 30-9-23, हमें लगता है ये 22-23 है, ये 22-23 नहीं है, ये 23-24 है, क्योंकि 22-23 में तो 31 मार्च 23 तक हुआ ना, समझ रहे हो? तो मैंने अगले साल भी नहीं बेचा है, अभी 22-23 में भी नहीं बेचा है। तो 22-23 में 31 मार्च 23 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। यार अगर देख पेपर में इतना आसान क्वेश्चन ऐसे आ जाए, समझ रहे होते, को लग रहा होता है टाइम है तो भाई सेफर साइड डालना होता। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे ना जब, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर जनरली क्या आता है, फिक्स्ड एसेट का लेजर आता है और डेप्रिसिएशन का लेजर आता है, जर्नल एंट्रीज कम आती, बट जर्नल एंट्री से ही तो लेजर बनते हैं, तो आपको जर्नल एंट्री आ गई तो लेजर तो बन जाता है। और अगला क्या है बेटा, PNL टू डेप्रिसिएशन। ओके बस बच्चे, अब हम आखिरी साल में आ गए हैं, और 23-24 में मेरे को बता दीजिए मैंने एसेट कौन से दिन बेचा है, पहले दिन 30 सितंबर। तो सर 30 सितंबर 23 तक डेप्रिसिएशन लगाऊं या ना लगाऊं? कितने महीने की? 6 महीने की। कितना अमाउंट आएगा? 10,000। जब पूरे साल का 20,000 है तो 6 महीने का 10,000। तो एंट्री क्या होगी जी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट अब की बार कितना होगा बेटा, 10,000। और 30-9 को एक और एंट्री भी होगी, आपने सेल करी है कितने रुपए की, मैंने लिखवाया था 70,000। सेल करी है जी 70,000। मेरा आपसे सवाल है, प्रॉफिट या लॉस? बट सवाल तो सर प्रॉफिट और लॉस से पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये जो एसेट है इसकी बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू समझते हो, बुक्स में जो अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है, 20,000। ये कैसे निकला मैं बताऊंगा, ये चीज़ ना मतलब समझ आनी चाहिए, निकाल ली तो अच्छी बात है। मुझे बताइए आपने फिक्स्ड एसेट को डेबिट कितने से करा था? 1,10,000। तुम्हारी बुक्स में वैल्यू कितने की हो गई? 1,10,000। अगर आपने फिक्स्ड एसेट को डेबिट करा है तो फिक्स्ड एसेट का लेजर 1,10,000 से डेबिट हो गया ना, और इसका मतलब वैल्यू कितनी आ रही है बुक्स के अंदर उसकी, 1,10,000। बैलेंस शीट में कितनी आ रही होगी, 1,10,000। लेकिन साल जब एंड हुआ तो तुमने कितनी कम कर दी, वैल्यू कितनी होगी अब, 90,000 हो गए, समझ रहे हो? फिर अगले साल फिर 20 गिरा दी, अब कितनी हो गई, 70,000। फिर वैल्यू गिरा दी, 50,000 हो गई अब वैल्यू, फिर वैल्यू गिरा दी, 30,000। और बेटे अभी अभी तुमने कितनी गिराई, 10,000। तो वैल्यू कितनी हो गई जी, तो 20,000 रुपए की बुक वैल्यू की चीज तुमने 70,000 की बेची है, ये समझ आया पहले तुम्हें? तो भैया प्रॉफिट कितने का हो गया, भारी प्रॉफिट हो गया, तो 50,000 का। तो आप मुझे बता दीजिए इसकी एंट्री आपके हिसाब से क्या हो, बैंक में कितना, तुम्हारा फिक्स्ड एसेट अब चला गया, तुमने बेच दिया, कितने रुपए से जाएगा बाहर, 20,000, क्योंकि भाई जितनी वैल्यू हो उतने से ही तो बाहर जाएगा ना। और आप मुझे बता दीजिए क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस या सीधा PNL में डाल दोगे, 50,000। क्लियर है? क्या ऑल्टरनेटिव नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है एकदम? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आपने कंपनी ज्वाइन करी और आप लेजर, आप ऐसे जर्नल एंट्रीज देख रहे थे रैंडमली कुछ भी, और आपको ये एंट्री दिखी, ये एसेट हो सकता है बहुत पुराना एसेट हो, कब कब एंट्री डाली आपको क्या पता, ये एंट्री देखने के बाद भूल जाओ आपके, तुमको डिटेल पता है, तुम्हारे को सिर्फ ये एंट्री पता है,
क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये जो एसेट है ये मैंने कितने रुपए का खरीदा था इस एंट्री को देख के, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना कि सर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। दूसरा सवाल, इस एसेट के ऊपर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, क्या ये बता सकते हो? ये कितने का बिका है ये बता दोगे? 70,000 का। ये बुक्स में कितने का है? 20,000 का। लेकिन ये कितने का खरीदा गया था नहीं बता सकता, और इस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है मैं नहीं बता सकता। तो क्या ये एंट्री इंफॉर्मेशन पूरी दे रही है टेक्निकली? इसी वजह से एक ऑल्टरनेटिव होता है बेटा, ऑल्टरनेटिव नंबर टू। कंपनीज में ना ये जो मैंने आपको सिखाया ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। नहीं कह रहे सर, ओ माय गॉड, अभी अभी खुशी हो रही थी समझ आ गया, और जो समझ आया वो कंपनी कर नहीं रही है। लेकिन फंडे वही होते हैं। लेकिन अब आप समझना कि कंपनीज में और बेटर मेथड है, और आपका बेटर मेथड कौन सा? ऑल्टरनेटिव नंबर टू। और देखना बेटा ऑल्टरनेटिव नंबर टू क्या है। सेम क्वेश्चन चलाऊंगा जी, साथ में स्पेस छोड़ा हुआ आपने? ठीक है, छोड़ा तो भी सही है, नहीं तो नीचे ऑल्टरनेटिव नंबर टू कर देना। सेम क्वेश्चन है, मैंने 1/4/19 को एसेट खरीदा था। मुझे बता दो, मैं ऑल्टरनेटिव नंबर टू की बात कर रहा हूँ। तो सर ठीक है ना, एसेट खरीदा था तो सेकंड ऑल्टरनेटिव में क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम बेटा, फिक्स्ड एसेट टू। कितना अमाउंट सर जी? 1,10,000 और 1,10,000। ठीक है साहब, सेम। क्या पहली एंट्री में कोई फर्क? ऑल्टरनेटिव वन और टू में कोई फर्क नहीं। दूसरी एंट्री आपने इधर क्या डाली थी? डेप्रिसिएशन टू टू फिक्स्ड एसेट। अब यहां पे देखना मैं क्या कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट। सर हमें तो ये भी सेम लग रहा है, 20,000। यहां पे क्रेडिट क्या करा बेटा? टू फिक्स्ड एसेट। और यहाँ क्या होगा जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये नई बात है जी, ये नई बात है। क्या मैंने एसेट की वैल्यू गिराई? नहीं। अगर एसेट की वैल्यू गिरती तो टू फिक्स्ड एसेट होता। एसेट की जब वैल्यू गिरती है तो हम एसेट को क्रेडिट नहीं करते, व्हेन यू परचेज एन एसेट यू डेबिट इट, एंड व्हेन यू रिड्यूस द वैल्यू और व्हेन यू सेल द एसेट यू क्रेडिट इट, एंड डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो मैं डेबिट कर रहा हूं, मेरा 20,000 का खर्चा है। लेकिन क्या मैंने एसेट की वैल्यू गिराई? एसेट की वैल्यू आज भी कितने रुपए की आ रही है बता दो मुझे? पूरी 1,10,000 की ही आ रही है एसेट की वैल्यू। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर एसेट की वैल्यू गिर रही थी, यहाँ पर जितने का एसेट खरीदा उतने का ही चलेगा। रादर देन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट, मैंने एक लायबिलिटी बढ़ा दी बेटे। बेटे बात तो वही है ना बेटे, एसेट को गिराने के बजाय मैंने लायबिलिटी साइड बढ़ा दी। फिर इन दोनों को भिड़वा दूंगा मैं तो नेट नेट वही आ जाता है। लेकिन एसेट को ना गिराकर मैंने क्या कर दिया? लायबिलिटी को बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, देखो मतलब तुम्हें थोड़ा सा लगेगा। देखो जनरली तुम्हारी समझ ये कहती है कि सर अगर फिक्स्ड एसेट 100 का होता है ना, तो उसमें से डेप्रिसिएशन 10 माइनस करके हम ऐसे 90। ठीक है, अगर फिक्स्ड एसेट 100 का है, 100 रुपए का खरीदा है, 10 रुपए माइनस हो गया तो 90 आ गया। अब मैं आपको कह रहा हूं ये तो पहला ऑल्टरनेटिव हो गया सर जी, जिसमें मैंने एसेट की वैल्यू 10 से गिरा दी। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, तुम्हारी ये जो बैलेंस शीट है इसमें फिक्स्ड एसेट कितने का आएगा?
₹10 की लायबिलिटी बना दी मैंने। और अगर तुम इसको नेट नेट करके देखोगे तो लायबिलिटी को यहां लिखूं या लायबिलिटी को यहां करके 90 दिख दूं, बात तो वही है ना जी, समझ रहे हो, बात वही आएगी। लेकिन आप ये समझिए कि आपका जो लेजर है वो 1,10,000 पे ही है और आपकी एक लायबिलिटी बन गई है 20,000 की, जो कि अब साथ साथ चलेगी। लायबिलिटी भी खत्म नहीं होती बेटा अपना, साथ साथ चलेगी, समझ रहे हो। अभी दिख जाएगा आपको, मैं लेजर भी बनवा दूंगा, सारी चीजें बनवा दूंगा। आपको एंट्री समझ आई, फर्क समझ आया पहले दोनों में? एक में तो हो रहा था डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और इसमें क्या हो गया डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। बताइए कोई दिक्कत अगर यहां तक तो। अच्छा अगली एंट्री क्या होगी, क्या कहते हो? इसी साल में डेप्रिसिएशन को मैं कहां भेज दूंगा? पीएम। क्लियर है? अगर आपको समझ आ गए तो आप बताइए नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री डालूं। गुड। नेक्स्ट ईयर सर साल के एंड में क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन कितने रुपए? और डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? आई एम सॉरी, PNL टू डेप्रिसिएशन। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, फिक्स्ड एसेट का कितने का बैलेंस चल रहा है लेजर में? लेजर 1,10,000। प्रोविजन का नेगेटिव, मतलब हाँ ठीक है वैसे करके बता दे बैलेंस कितना है? 40। तो ये मत भूलिएगा पुराना तो चल ही रहा है 20 और 20 और हो गया तो 40,000। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ना, 40 घटाएगा, ठीक है वो आगे का स्टेप है जो बता रहा हूँ अभी, फिर 40 घटाएगा तो कितनी रह जाएगी? 70,000 ही रह जाएगी, यहाँ भी 70 ही आ रही थी, समझ रहे हो। बट सर हमें क्यों कर रहे हैं, आपको दिख जाएगा अभी क्यों कर रहे हैं। अगले साल बताओ बेटा एंट्री, दोबारा से डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन और डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दूंगा मैं? PNL। प्रोविजन का कितना बैलेंस हो गया अब? ₹60,000। अगले साल क्या एंट्री होगी बच्चे? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन और ट्रांसफर कर दूंगा मैं PNL टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। एसी अगर बंद करना हो ना तो कर देना, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऑन करा है तबीयत ख़राब ना हो जाए, अभी सीज़न वैसे ही चल रहा है। बंद कर दूँ क्या? हाँ ठंड लगे, कर दूँ? दिव्यांशी जी एकदम शर्माने की बात नहीं, ठंड लग जाए तो कर दो बंद, ठीक है। नहीं तो आपकी मम्मी बोलेंगी सर बच्चे बीमार हो गए हमारे तो। हाँ चलिए बताइए, क्लियर है यहाँ तक? Yes. सर अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए, 30/9 को दोबारा से एक एंट्री डलेगी, क्या एंट्री डलेगी सर जी? डेप्रिसिएशन टू, ओके कितने रुपए? सेटल्ड बात चली है ना, बस बार बार टू फिक्स्ड एसेट की जगह टू प्रोविजन टू प्रोविजन टू प्रोविजन चला बस। अब जरा सोचो, मैं सेल भी करके दिखाता हूँ फिर हम इसके लेजर बनाएंगे, ठीक है। आपने एसेट को बेचा कितने का है? 70,000 का। आपके फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? गुड, मतलब वो हो गया ना लेजर के अंदर जो वैल्यू आ रही है 110। लेकिन आपने जिंदगी में एक और लेजर भी चलाया है, कौन सा लेजर चलाया नया? गुड गुड, प्रोविजन भी चला है, उसका भी कुछ बैलेंस है,
70 या आओ चेक करते हैं, 90, ये 20, फिर दोबारा 40, 60, 80 और ये 10, 90. तो मेरा ऑलरेडी प्रोविजन 90,000 का लायबिलिटी है, लायबिलिटी है ना, क्रेडिट कर रहा था ना मैं बार बार, है ना. और ये जो ये क्या है, ये एसेट है. मैंने इसको बेच दिया कितने रुपए का, बैंक में 70,000 आएगा, इसमें कोई डाउट? भाई पैसा तो 70 ही आएगा ना. सर जी मेरा एसेट चला गया है, कितने रुपए का, 1,10,000 का. यहां पर 20,000 का जा रहा था, यहाँ पर कितने का जा रहा है, 1,10. क्योंकि जब एसेट चला गया तो उसकी सारी की सारी वैल्यू जीरो कर दो, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,10,000, तो 1,10,000 को ख़त्म कर दिया. अब मुझे बताइए प्रोविज़न को चलाता रहूँ या बंद कर दूँ? ऑब्वियसली बंद करूँगा. प्रोविज़न को बंद करने के लिए प्रोविज़न को डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ? डेबिट करूँ. गुड. कितने रुपये से बैलेंसिंग फिगर टू PNL कितना आ गया बेटा? 30. एंट्री बन गई, समझ आ गया तक? अब इस एंट्री कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था तेरे को किसी को देना. और चल मैं इसको और थोड़ा एडवांस, ठीक है, आपने जो पॉइंट बोला ठीक है. यार देख क्या होता है कि ना, आप जैसे सारे बच्चे हो, आप सब बच्चों के लिए अभी जैसे CA कर लोगे, सारे बच्चे CA वाले ही हैं ना, ठीक है, CA कर लोगे, जॉब लग जाएगी, फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या सर, उसके बाद मैं समझ गया तू बोलना चाह रहा है, कैसे शादी हो जाएगी. हाँ क्या फिर, क्या लेवल अप, सैलरी बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद शादी करेगा नहीं करेगा? क्या सर हो ही जाएगी, CA बन गए, जॉब लग गई, शादी हो जाएगी. सबकी नहीं होती बेटे, दुष्यंत सर को देख ले. ठीक है, तो बेसिकली आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी के बारे में पहले से सोचा होगा, नहीं सोचा होगा? घर में आज पूछना कि आप हमारी शादी बारे में सोचते हो ऐसे. क्या लगता है आपको, मतलब पेरेंट्स पहले से पैसा जोड़ते हैं कि बच्चे की शादी करानी है, नहीं जोड़ते? जोड़ते हैं एजुकेशन के लिए कुछ पैसा. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मेरी डॉटर का नाम है इनाया, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी जैसे ही बर्थ हुआ तो एक ना अकाउंट होता है, सुकन्या समृद्धि सोना अकाउंट है ना, उसमें ना पैसा डालते रहो तो पैसा जुड़ जाएगा. एक मेरा है कि भाई 1,00,000-2,00,000 रुपए हर साल मैंने उसमें डाल दूँ, उससे क्या होगा, जब तक 20 साल की होगी वो, 25 साल की होगी, तो 50-60 लाख रुपए ऐसे इकट्ठा हो जाएगा. समझ रहे हो? ऐसे ही आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए पैसे जोड़े होंगे. कह रहे सर मतलब उस हिसाब से तो घर वालों का बहुत पैसा है, आज बाइक की डिमांड कर देंगे. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, फिक्स्ड एसेट भी यही है. अगर मैंने आज एक महंगा एसेट खरीदा ना, तो मुझे पता है कि यार ये ना 10 साल बाद खराब हो जाएगा, तो मैं अभी से ही ना एक लायबिलिटी के तरीके से बनाने लग जाता हूँ, नहीं मेरे को जोड़ना है. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कुछ पैसा क्या मैं कह सकता हूँ, जब 10 साल हो जाएंगे, जितने का मैंने खरीदा उतने रुपए की मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ टेक्निकली, प्रोविजन के नाम से. समझ रहे हो? ये मेरे को मैंने देनी नहीं है किसी को, ये एक इंटरनल कंट्रोल है. आप ये समझो मैंने बड़ा एडवांस बोल रहा हूँ. इन रियलिटी क्या है, आपका खर्चा है, जेब से पैसा जा रहा है, नहीं, पर आप अपने प्रॉफिट्स पे हिट देते हो कि भाई चाहे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट कम दिखे क्योंकि मेरे को 10 साल बाद एक भारी कमिटमेंट आने वाली है. आपके पेरेंट्स जितना भी पैसा कमाते हैं सारे उड़ा देते हैं, नहीं,
इतना पैसा साइड करते हैं इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो टेक्निकली आप अपने प्रॉफिट्स पे हिट इसलिए देते हो क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स लाइफ ऑफ द एसेट आपको दोबारा से खरीदना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये भी एक पर्पस होता है, मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा ना दिखे, समझ रहे हो? तो वो उस एंगल से भी इसको प्रोविजन को लायबिलिटी दे रही है, देना नहीं है किसी को आपने, आप खरीदो एसेट ना खरीदो वो आपकी मर्जी है, समझ रहे हो? वो चीज़ होती है। चलिए अब आप मुझे ये एंट्री देख के बताओ, इस एसेट के ऊपर कितने रुपए की डेप्रिसिएशन आज तक लगी है, दिख रहा है नहीं? क्या तुम्हें पुरानी एंट्री में जाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये एसेट तुमने कितने का खरीदा था, दिख रहा है जी? समझ रहे हो? कितने का बिक गया, कितने का प्रॉफिट, आप मुझे बताइए। ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, सिर्फ एक एंट्री को देख के तुम पता लगा सकते हो कितने की खरीदी, कितने की बिकी, इस पे कितने की डिप्रिसिएशन है, सारी की सारी बातें आप इसी पे ही निकाल सकते हो। बताइए, क्लियर है? चलिए, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 एंड ऑल्टरनेटिव नंबर 2। सर इसका लेजर कैसे बनेगा? वैसे तो आप बहुत ही बढ़िया पकड़ रहे हो बातों को, तो एक बार हम ट्राई करते हैं इसका लेजर का भी। आप सारे बच्चे भी ओपन लर्निंग से हो, कॉलेज में है कोई, कॉलेज लिया किसी ने ओपन, डीयू का ओपन या डीयू प्रोग्राम या ऑनर्स प्रोग्राम? ऑनर्स लिया, ठीक है कोई भी ले लो, बस प्रोग्राम इजी रहता है थोड़ा, तो वो रहता है, बस सही रहता है। आइए सर जी, मैं आपके साथ 2 लेजर बना रहा हूँ और आपने ही बनाने हैं बेटा, आपने मेहनत करनी है। अब अगर आपको डाउट आएगा ना तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन, और तीसरा कौन सा बनेगा जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं हेल्प कर देता हूँ पहले साल में, फिर आप आगे कंटिन्यू आप नहीं बनाना होगा, ठीक है? अच्छी वर्किंग बनाना। हमने एसेट कितने रुपए का खरीदा था? फिक्स्ड एसेट टू बैंक 1,10,000। साल के एंड में जब डेप्रिसिएशन डली तो एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। ओके, कितने रुपए बेटा? 20,000। और दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। हाँ दोस्त, हर साल नया होता है क्योंकि दोस्त जो भी खर्चों वाले होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, तो उसको PNL में भेज के उसके बैलेंस को जीरो कर देता है, तभी तो तू अगले साल जब उसको PNL में भेजेगा तो पुराना PNL का बैलेंस नहीं होना चाहिए ना आगे, समझ रहे? इसलिए। हाँ जी, ये तीनों पोस्टिंग समझ आया पक्का से? अब आप मुझे बता दो, साल खत्म हो गया जी, फिक्स्ड एसेट को क्लोज कर देते हैं, कैसे करूँ? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अरे सर डिप्रिसिएशन तो डाल दो। नहीं डलेगी बेटे, इसका प्रोविजन वाला चल रहा है ना हमारा, डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? PNL में। आप ये कह सकते हो कि ये ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है इसको। और सर जी इसका बता दो मुझे, तो PNL में भेजूं? हाँ, क्या लिखूं? कैरेट डाउन है ना, PNL में भेजने का मतलब तो हो गया मेरा एक्सपेंस है, पर क्या मेरा एक्सपेंस है? नहीं सर जी, आपको लेजर का अगर नेचर पता है ना तो आपकी कहानी डन हो जाती है। बस टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। अगले साल क्या होगा बच्चे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। और इसका क्या होगा? फिक्स्ड एसेट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000। कहानी समझ आ गई पूरी की पूरी? एक मिनट, हैंग हो रहा है। समझ आ गई पूरी कहानी है ना? तो अब आपने क्या करना है, इससे आगे की पूरी कहानी बना दो। हमने 4-4.5 साल तक गया ना, इससे आगे के लेजर बना दो, शुरू कर दो सर जी कहानी को।
किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछने की रखी है, पूछ लेना प्लीज। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग। विशाल क्लियर है दोस्त? विशाल, यश, नो सर। क्या डाउट आ रहा है पूछ ले भाई। सर एंट्री में। कौन सी एंट्री में? मतलब एक बार थोड़ा डाउट। हाँ हाँ बता बता। ये एंट्री क्लियर? हाँ नीचे, नीचे जो किया था ये वाला, जो सेल वाला फिक्सेस और डेप्रिसिएशन ये सब जो किया हुआ। सेल के टाइम की बोल रहा है, पहले साल की बोल रहा है, कौन सी वाली बोल रहा है? पहली एंट्री क्लियर है? यस सर। दूसरी एंट्री? यस सर। थर्ड एंट्री पीएनएल टू डेप? नहीं सर, सारी तो क्लियर है, वो नीचे वाले थे ना, वो जो आपने तीन वो बनाए हैं। ये यस सर, तीन बनाया, तीन लेजर जो बनाया। यस सर। दोस्त इसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। जर्नल एंट्री को पोस्ट कर रहा हूँ ना मैं। देख जैसे पहली एंट्री थी फिक्स्ड एसेट टू बैंक, पहली एंट्री क्या डाली थी तूने? फिक्स्ड एसेट टू बैंक डाली थी, तो वो टू साइड पर आएगा ना। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट होती है, ये स्टैंडर्ड टू साइड होती है, तो टू बैंक आ गया 110,000। ठीक है, समझ आया मेरे को? साथ साथ बता मेरे को, तभी पता लगेगा कहां पे अटक रहा है। यस सर, आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देख जब आप जर्नल एंट्री डाल देते हो तो पोस्टिंग करता ना, तो मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो तूने टू बैंक डाला है। अब उसके बाद अगली एंट्री क्या डाली तूने? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो देख डेप्रिसिएशन के लेजर में टू प्रोविजन आएगा। कभी भी अपने लेजर में अपना नाम नहीं आता, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा आता, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। और प्रोविजन के अंदर क्या आ जाएगा, देख एंट्री अगर है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 20,000, 20,000, तो देख डेप्रिसिएशन के अंदर तो टू प्रोविजन आ गया, लेकिन प्रोविजन में क्या आएगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बाय आई है, तो प्रोविजन के अंदर क्या लिखा आ गया, बाय डेप्रिसिएशन 20,000। उसके बाद आपने इसको बैलेंस कर दिया, जो लायबिलिटी होती है उसको कैरेट डाउन करा जाता है कि अगले साल जा रही है ये, और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में भेज दिया। मतलब ये बेसिक वाली दिक्कत आ रही है, तो वो वाली दिक्कत है, पर कोई नहीं, एक बार मेरे को बोल बोल के ही बता क्या क्या डाउट आ रहा है ना, तो मुझे पता लगे तो अच्छी बात है, गुड। एक बार मैं ना दो वीडियोस और ऐसी ना बच्चे ग्रुप में शेयर करूँगा जिसमें बेसिक की वो है, लेजर कैसे बनते हैं, तो अगर आपको दिक्कत आती है ना तो वो ज़रूर देखना वो वीडियोस। सर इलेवेंथ करी नहीं थी। अच्छा, इलेवेंथ ही करी थी? हाँ, कोविड, तब लेजर कब निकला पता ही नहीं लगा। जब मैम लेजर पढ़ा रही थी हम सो रहे थे सर। अच्छा, तो मैं बनवा दूँ ये? दिक्कत अगर आ रही है ना दिक्कत, तो मैं बता देना। हाँ ठीक है, कोई भी बच्चे को दिक्कत आए ना बता देना बेटा, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, हमने इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना। देखो मतलब मैं समझ सकता हूँ, जब हम भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट था ना, एकदम वो होता था भाई पूछे ना पूछे, ठीक है, पर क्या होता है मतलब ये सल्यूशंस ना, मतलब आपको चाहिए ही चाहिए लाइफ में अब। ठीक है, तो कहीं भी है तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम है तो है सर बता दो तो बता दूंगा। फाउंडेशन लेवल पे ही क्लियर हो जाता है ना बच्चे, सही रहता है। मैं बना देता हूं, चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट तो अगले साल में भी मैंने कुछ करा ही नहीं है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 110,000। लेकिन अगले साल हमने एक एंट्री डाली थी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो डेप्रिसिएशन के लेजर में टू प्रोविजन आ गया, और प्रोविजन के लेजर में क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन 20,000। साल ख़त्म हो गया, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दूंगा, फिर दोबारा इसका बैलेंस ज़ीरो हो गया।
और प्रोविजन का बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन 40,000। दो साल के बन गए सबके। नेहल जी क्लियर है? सर अगले साल में क्या होगा बेटा? थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन 110,000। सर इसमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं बेटे, कोई एंट्री के अंदर कुछ फिक्स्ड एसेट का जब लेजर ही यूज नहीं हो रहा, अकाउंट ही यूज नहीं हो रहा, तो चेंज कैसे आएगा? जो ब्रॉट डाउन है वही कैरेट डाउन है। फिर मैंने एंट्री डाली थी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 20,000, और इसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा जी? पीएनएल में। ओके, और उसके बाद ये जो कैरेट डाउन था मेरा, पहले मैंने इसको ब्रॉट डाउन बनाया और यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन डाला, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। अभी आ जाएगा लिखा हुआ। तीन साल तक बन गया बच्चों? सर फोर्थ ईयर में, अच्छा फोर्थ ईयर बोले तो कौन से साल से शुरू हो रहा था हमारा? 19-20 से हो रहा था ना, 19-20, 20-21, 21-22, और अगला साल है जी 22-23। क्या आप मुझे बता सकते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? 110,000। और 22-23 में भी मैंने कुछ बेचा तो है नहीं, तो मेरा कैरेट डाउन ये भी कितना आ जाएगा जी? 110,000। बहुत बढ़िया सर। फिर मैं एंट्री डालूंगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 1 मिनट बच्चे, अभी स्क्रीन आ रही है। निशान जी बना रहे हो ना? रजिस्टर बनवा दे रहा है। अच्छा बच्चों ठीक है, तो फोर्थ ईयर में क्या है बेटा हमारा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 20,000। और सर जी डेप्रिसिएशन का लेजर मेरा खर्चे का लेजर है सर, साल के एंड में जो भी बैलेंस होता है उसको हम पीएनएल में भेज देते हैं। और साहब प्रोविजन का मेरा ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस चल रहा है 60,000, मैंने इस साल डेप्रिसिएशन और चार्ज करी है 20,000 की, तो मेरा प्रोविजन का बैलेंस हो जाता है 80,000 का। क्यों जी? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? सर अब क्या होगा? सर बेटे अब आखिरी साल आ गया, याद करो 23-24 में हमने एसेट को बेचा था। ठीक है, 23-24 में हमने एसेट को बेचा था,
ओपनिंग बैलेंस कितना लिखूं बेटा? 1 लाख। अभी पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं क्योंकि 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी है। तो एंट्री क्या डाली थी मैंने? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। कितने रुपये सर? 10,000। और इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा जी? मेरे को आप पहले बता दीजिए, डेप्रिसिएशन का लेजर मैंने पूरा डाल दिया है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन के लेजर में कोई दिक्कत? मैं हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ और उसको कहाँ ट्रांसफ़र करता जा रहा हूँ? पीएनएल में भेजता जा रहा हूँ, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, रही बात अब प्रोविजन पर आ जाते हैं। प्रोविजन का ब्रॉड डाउन आ रहा है बेटा 80,000। आपने कितना प्रोविजन चार्ज कर दिया बच्चे? 10,000। अब मेरा प्रोविजन कितने का हो गया? 90। क्या करूँ उसको, कैरी डाउन कर दूँ अगले साल? खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि आप ये जरा एंट्री देखिए, जरा अभी एंट्री का पोस्टिंग देखिए। 2 फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, पहले प्रोविजन की बात कर लेते हैं। प्रोविजन डेबिट हुआ है 90 से, तो प्रोविजन डेबिट, और ये 90 किधर घुसा हुआ है सर? पता नहीं लग रहा सर। तो ना आप जनरली क्या कर सकते हो, फिक्स्ड एसेट, मतलब तुम ये कह सकते हो प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट 90,000। तो प्रोविजन के लेजर में ना बेटा क्या आ जाएगा? 2 फिक्स्ड एसेट। और आप मुझे बता दीजिए, क्या आपका प्रोविजन का बैलेंस खत्म नहीं हो गया? प्रोविजन के लेजर में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर जी ये क्रिएट हुआ, हर साल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब बेच दिया जितना प्रोविजन था सारा का सारा बंद हो गया सर। एंट्री आपको आती है, पोस्टिंग भी आपको मैंने बता दी। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं जरा यहाँ पर, मेरा ब्रॉड डाउन कितने का बेटा? 1,10,000। अब इधर देखो जरा, अगर तुम देखोगे बैंक में 70, ठीक है, और फिक्स्ड ये प्रोविजन, ये एंट्री है। ठीक है, मैं तुम्हें इसे क्लोज करना दिखाता हूँ। तुम यहाँ पे क्या डाल सकते हो? सीधा सीधा बाय बैंक कितने रुपए, प्रोविजन कितना बेटा? ओह माय गॉड, ये तो बंद ही नहीं हुई। पीएनएल कितना था बेटा? अब बंद हो गई, समझ रहे हो? तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंट्री, आपको दिखेगा नहीं 1:1। तो आप सारा डाल दोगे ना, मतलब बेसिकली मैंने बैंक भी डाल दिया, प्रोविजन भी डाल दिया, और इधर पीएनएल भी डाल दिया, तो अपने आप वो नेट हो जाएगा। आप मुझे बताइए मेरा कैरेट डाउन कितना आया, विच इज ऑब्वियस भाई साहब, जब मैं एसेट बेच चुका हूँ तो कैरेट डाउन तो 0 ही आएगा। बताओ बेटे, अब मैंने आपको एकदम डिटेल्ड लेवल पे पूरा बता दिए। अगर अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, अभी पूछने की रखी है। निहल जी क्लियर है बच्चे? गुड। ऑनलाइन में साक्षी जी, अंकित? यस सर क्लियर है। ठीक है गुड। अंकित को क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो वेरी 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 गुड। सर अब आप क्या करवाओगे? बेटे ऐसा करते हैं, वैसे तो मैं तुम्हें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा सकता हूँ, पर थोड़ा कंटेंट को भी आगे बढ़ाते हैं हल्का फुल्का, ठीक है? हाँ जी, अंकित को क्लियर है, ठीक है। रौनक, ऋषि, ऋषिका, एक बार बच्चे कंफर्म कर दो। हाँ यश क्या कह रहा है? यश को कोई डाउट है तो चैट। सर एक बार क्लोज का बता दो कि क्लोज कैसे होती है। यार देख, बेसिकली ना तेरे को मैं फिक्स्ड एसेट के एंगल से बताता हूँ। पहले
देख बैंक में 70,000 आ रहा है, ठीक है। यस इसमें ना सर, आपको ना 1-to-1 नहीं दिखेगा, जैसे तुम सिंपल पोस्टिंग करते हो ना वो नहीं दिखेगा। देख मैंने ना बैंक भी डाल दिया इधर, प्रोविजन भी डाल दिया, क्या दोनों चीज़ें डेबिट नहीं हो रही थी? देख अगर फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है तो दोनों चीज़ें डेबिट हो रही है ना दोस्त, यस सर, तो इसको मैंने बाय बैंक और बाय प्रोविजन डाल दिया। और ये जो 2 PNL है ना, इसको मैंने 2 साइड पे लिख दिया, समझ रहे? यस सर। अब इसी तरीके से आपके मन में हो सकता है ये आ जाए, सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं करा ऐसे? यहाँ पे भी अगर तू कर देता ना प्रोविजन वाले में भी तो भी मैच कर जाता। जैसे मान ले अगर मैं उधर बाय बैंक भी लिख दूँ, 2 फिक्स्ड एसेट और 2 PNL लिख दूँ ना, तो भी मेरा मैच हो जाएगा, समझ गया क्या बोल रहा हूँ? यस। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं समझाने से पहले मैं देखूंगा कौन सा बच्चा करता है इसको, ठीक है, और जिसने करा उसको बेटे गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट गिफ्ट पता है क्या मिलता है? भारी भारी गिफ्ट मिलते हैं बहुत, तो करोगे ना सॉल्व? गिफ्ट मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेगा पता है? हाँ भारी गिफ्ट, ब्लेसिंग्स मिलती हैं बहुत ज़्यादा। नहीं जिसने अगर इसको पूरा सॉल्व करा ना, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, मतलब वो एक पॉइंट है, ठीक है, अगर तुमने सही निकाल दिया तो चॉकलेट पक्का, ठीक है। कौन सी चॉकलेट खाते हो? हाँ क्या खाते नहीं हैं निशान, खाते है चॉकलेट? कह रहे नहीं सर गुटका। हाँ कौन सी चॉकलेट खाता है? कह रहा है सर छोड़ो आप अभी। विशाल कौन सी खाता है चॉकलेट? किटकैट। किटकैट अगर तू तूने आंसर दिया किटकैट मिलेगी तेरे को, बाकी बच्चों को किटकैट ही ले आएंगे फिर, ठीक है, या डेरी मिल्क वो पांच। कह सर क्वेश्चन कराओ सर, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो बड़ी चॉकलेट होगी। चलो देखते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी ये स्कीम है, आप आओगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा, आया करो बेटे। ऑनलाइन ऑनलाइन के ज़माने गए बेटे, कोविड वोविड चला गया है, दिल्ली के बच्चे आ जाया करो। दिल्ली से कौन कौन है ऑनलाइन में भी? अंकित तो आया था ना लास्ट क्लास में, आई थिंक। विशाल, विशाल भी आया था ना फर्स्ट क्लास में अकाउंट्स की? यस सर मैं आया था। हाँ फिर अब आता क्यों नहीं सर? वो मैं थोड़ा अपने घर आ गया किसी की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए अच्छा, ऑनलाइन अच्छा अच्छा ठीक है। तो ना कोशिश, मतलब देखो ऑनलाइन फैसिलिटी है, फायदा रहता है, ये अच्छी बात है, कभी कहीं हो कुछ है, पर कोशिश करो, ये बड़ा डिसिप्लिन वाली चीज़ होती है, ठीक है। रेगुलर आओगे ना तो मतलब सही रहता है एकदम, ठीक है। चलिए आ जाओ, ठीक है। मान लो बेटा फिक्स्ड एसेट है 1 लाख का, मैंने कब खरीदा? 1/4/19 को, फिक्स्ड एसेट की लाइफ है 5 साल, फिक्स्ड एसेट की सेल्वेज वैल्यू है 20,000, मेथड है WDV। ओ माय गॉड, चॉकलेट इतनी आसानी से नहीं देता बेटा मैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम ऑन WDV। आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है, छोटे से बच्चे हो तुम, ज़्यादा बर्डन में डालूंगा नहीं, ईयर वन की डेप्रिसिएशन बता दो बस, पहले साल की बस। कितनी आई है पहले साल की डेप्रिसिएशन? दोस्त मैं ना आपका नंबर शेयर कर देता हूँ, आपको अभी कॉल आ जाएगा दोस्त। कितना आया दोस्त? 16,000। निकाल लो आराम से,
कितना आया? 20,000. कैसे निकाला? ऋषि का है 3200. सॉरी, हाँ ऋषि का, हाँ परसेंटेज दिया हुआ है. कितना? 20%. किस पे लगाया? सेल्वेज वैल्यू माइनस नहीं करी? क्यों? आ जाऊंगा जो इस क्वेश्चन पे, अभी दोबारा आ जाऊंगा. 100,000 है 1,419, ठीक है. लाइफ है 5 ईयर. सेल्वेज वैल्यू 20,000. मेथड SLM. रेट है 20% पर एनम. पहले SLM कर देते हैं, चलो, है ना. पहले साल की डेप्रिसिएशन बता दे बस. बीस हजार, क्योंकि सर अगर रेट दिया होता है तो सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं करते. ये किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया था ये. हाँ चलो, आप जो कह रहे हो मैं वो अप्लाई करता हूँ. ये बात अग्री कर रहे हो अभी? मतलब अग्री तो मैंने तो नहीं बोली है, बट एक बार देखते हैं. क्योंकि ना आप एक चीज़ समझो, आपको ना लाइफ में दिमाग ऐसा चलाना है कि जो आप बोल रहे हो ना आप खुद से उसको वैलिडेट कर सको. आपने जो बोला मैं उसको वैलिडेट करता हूँ. इसका मतलब पहले साल की डिप्रिसिएशन कितनी? दूसरे साल की? तीसरे साल की? चौथे साल की? तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी आ गई? पर सैलवेज वैल्यू तो 20,000 बचनी चाहिए थी. समझ रहा अभी मैं कहाँ फंसा रहा हूँ? पहले तो रेट दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन तो अभी SLM में तो नहीं हो रही. मैं WDB पे नहीं जा रहा, SLM का मैंने रेट का लॉजिक दे दिया. इसका मतलब सर जी पहले साल की डेप्रिसिएशन लॉजिकली कैसे निकलेगी? भाई देखो, 100,000 का एसेट, 100,000 में से बेटा मैंने 20,000 साइड कर दिया है. सेल्वेज वैल्यू को बोला साइड हो जा. और कितना परसेंट लगाया बेटा? 20%. पहले लाइफ दी होती थी तो मैं डिवाइड करता था. सर लाइफ तो अभी भी दी हुई है 5 साल, हालांकि उससे भी निकल सकता है, बट रेट अगर दे दिया तो चलो रेट लगा रहे हैं. मुझे बता दो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? बन रही है ना बात, लॉजिक बैठ रहा है ना बात का, कि हाँ सर 16-16 गिराई वैल्यू, तो जो सैलवेज वैल्यू है वो बच गई. हाँ जी, 3200 तो नहीं है. यश एक बार देख, एक बार पहले मुझे ये वाला पॉइंट बताओ. ये सबको क्लियर हुआ पहले? ये पॉइंट क्लियर है? अब बता दो WDB. अमाउंट बता दे ऐसी, कुछ भी दिमाग लगा के. 16,000 कैसे निकाला? क्योंकि पहले साल में 100,000 माइनस 20,000, इसका कितना रेट बेटा? दैट इज 16,000. मुझे बता दो कितने बच्चों का 16,000 ही आज? वो तो अगले साल जो भी वैल्यू बची है फिर उसका 20. WDB में क्या होता था? जो भी वैल्यू बची होती है नेक्स्ट ईयर जो भी होगा उसका होता था, है ना. WDB में क्या होता है, हर साल जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो कम होती जाती है. बट मैं तो अभी जा ही नहीं रहा उस पर, मैं तो पहले साल पे ही हूँ अभी. मैं तो आपको कह ही नहीं रहा, मुझे अगले की बताओ. पहले साल की 20, मतलब माइनस नहीं करोगे? इधर माइनस करोगे? अभी मैं ना क्लास में हूँ, कॉल करता हूँ. क्लास में सुनते हैं. ओके, हाँ जी. पीयूष क्या कह रहे हैं?
16,000 गोपाल, ट्वेंटी आपका मैडम नेहल जी। नेहल जी कह रही गुड क्वेश्चन। निशांत 16 या 20 में से बोल दे, बीच का 18। 16 या 20? 20। आप मैडम बेटे अगर ज्यादा बच्चों का सही आता है ना तो चॉकलेट कैंसिल हो जाती है। ऑनलाइन में क्या है बेटे, ऑनलाइन वाले बच्चे सो तो नहीं रहे हो ना? अगली बार से कैमरा ऑन करवा के बिठाऊंगा, देख लो। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर बताओ, 16,000 ऋषि का, 16,000 ऋषिका जी का क्या आ रहा है, रौनक का क्या आ रहा है, अंकित, यश, है? अच्छा चलो फाइनल बता दो, चॉकलेट का मैंने वादा करा तो दूंगा। 16,000 कौन कह रहा है? एक, 20,000, एक, दो, तीन, आप भी मैडम। चलो आपका है कि सर ये दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम पेपर में। कितने बच्चे कह रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। तू क्या कह रहे? 20। करेक्ट आंसर इज 20,000। ऐसा मत सोचना चार चॉकलेट, एक चॉकलेट किटकैट की जो चार पीस वाली आती है ना, तो वो वाली हो जाएगी, ठीक है? चॉकलेट ड्यू रही नहीं, चार चॉकलेट खिलाऊंगा बच्चों को, ठीक है? 16,000 यश का, हाँ ऑनलाइन में यश का भी 16 है। जिन बच्चों के 16 है बेटे, उनको अगली क्लास में चॉकलेट लेकर आनी है, ठीक है? अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ। आपने अभी जो बोला है वो अभी मुझे पता है, मतलब विद कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आपको लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वो वाली चीज़ लग रही थी, ठीक है? अब आप ध्यान से देखना, WDV मेथड में मैं एक नोट लिखवाता हूँ सबसे पहले। इन केस ऑफ WDV मेथड, salvage value is not reduced from original cost for calculation of depreciation. सर ये आप क्यों लिख रहे हो? सर हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है बेटा, मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको रिड्यूस नहीं करूँगा। उसका रीज़न है बिकॉज सैलवेज वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटे ये जो रेट लिखा है ना मैंने, ये चमत्कारी रेट है बेटा, ये ऐसे नहीं आता। आप प्रैक्टिकली जब ऑफिस में काम करोगे ना, ये रेट को निकाला जाता है। आपको याद है स्कूल में एक फॉर्मूला होता था, वो कुछ अंडर रूट करके लाइफ है ना, हाँ कॉस्ट और सैलवेज वैल्यू माइनस करते थे। हमें उस फॉर्मूले के अंदर नहीं जाना, बट दैट इज़ वेरी मच रेलेवेंट, अंडर रूट करके कुछ होता था। तो ये जो रेट निकलता है ना बेटा, ये रेट ना ऑलरेडी सैलवेज वैल्यू को कंसिडर कर चुका है। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जब तुम 5 साल तक 20% डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो 5वें साल के एंड में अपने आप कितनी वैल्यू खड़ी होगी? 20,000। बिकॉज ये रेट कैसे कंसिडर करा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ सैलवेज वैल्यू। इन तीनों के मिक्सचर से एक रेट निकलता है, उस रेट को चमत्कारी रेट बोला जाता है। वो रेट एकदम प्रैक्टिकल रेट है, कंपनीज ऐसे ही निकालती हैं उसको। और आप ये देखोगे कि व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर 5 years, योर ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू विल बी आफ्टर 5 years वुड बी 20,000। बट आपको क्या लग रहा है अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा? नहीं, क्योंकि मैंने तो एक ऐसी जनरल लिखा। तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, फिर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा। समझ रहे हो?
अब देखना एक बार सर WDV कैसे निकलता है बेटा, WDV निकलता है 1/4/19 को हमने एसेट खरीदा था बच्चे 1,00,000 का। आप मुझे बताइए 19-20 में जो रेट लगेगा 20% लगेगा, और आपने बिल्कुल सही बताया था कितने रुपए बेटा 20,000। आप मुझे बताओ 31 मार्च 2020 को कितने रुपए आ गया 80,000 बुक वैल्यू पहले, है ना। 1,00,000 रुपए का एसेट था, 20,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। अगले साल कितना, कितना आ जाएगा 64,000। WDV यही होता है ना, जो वैल्यू बची होती है उसके ऊपर हम रेट लगाते हैं। तो ये वैल्यू कब की आएगी बेटा 31 मार्च 2021 की। 21-22 में बताओ बच्चे 64,000 का 12,800। वेरी गुड। हाँ 21-22 का लगा देना। हाँ ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई दोस्त 51,200। फिर बच्चे 22-23 में 10,240। पता लग रहा है ना सबको, हर बार देखो मैं रेट कैसे लगा रहा हूँ, 20% इसका लग रहा है, 20% जो वैल्यू है बची हुई है उसका लग रहा है, 20% 64,000 का लग रहा है, 20% इसका लग रहा है। और लास्ट में अच्छा क्या वैल्यू आई, 40960। ये वैल्यू आ गई कितने साल थे भाई, ये भी देख लो, ये ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो 31 मार्च 2023, और 23-24 की पूरी डेप्रिसिएशन बता दो 8,8192। ये 5वें साल की हो गई, और ये वैल्यू आ गई जी आपकी कितनी 7,32,768। डेप्रिसिएशन निकालनी आई पहले। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूँ, सैलवेज वैल्यू ये नहीं है बेटा, सैलवेज वैल्यू क्या है 3,2। मुझे पता नहीं था ना, वो फॉर्मूला मैंने थोड़ा ना बना रखा है अभी, सर पेपर में बनाना होगा बिल्कुल भी ना, आपको रेट दिया होगा ठीक है। अब आप सोचो 20% जब मैं 5 साल लगाऊंगा तो सैलवेज वैल्यू कितनी आएगी, देखो आ रही है ना 3,276, क्योंकि जब 5 साल आपने एसेट को लगा दिया तो ये वैल्यू आ, क्लियर है। तो WDV मेथड में हम सैलवेज वैल्यू का रिड्यूस नहीं करते, उसका रीज़न अब आपको पता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, पेपर में हालांकि अब तो MCQ लेवल पर नहीं होता, पहले होता था, अगर मैं तुम्हें सीधा बोलूँ कि एक एसेट है और मुझे बताओ कि 4th साल में डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, अगर मैं तुमको सीधा बोलूँ, पेपर में ऐसे नहीं आ रहा फुल फ्लेश्ड, सिर्फ पेपर में 2 नंबर का आया ट्रू और फॉल्स में कि एक एसेट है 1,00,000 रुपये का और 20% WDV है और 4th ईयर की डेप्रिसिएशन इतनी है ट्रू और फॉल्स, तो आप कैसे निकालोगे फॉर्मूला कौन सा, नहीं रेट 20% देते रहो वो, हाँ क्या पूरा करना पड़ेगा, नहीं कंपाउंड वाला नहीं, देखो मैं एक लॉजिक देता हूँ, मतलब तुम्हें ना गणित समझ आनी चाहिए तुम्हें। एक बात बताओ, जो भी चीज़ बचती है उसका कितना परसेंट कम हो जाता है हर बार, 20। तो अगर मेरे पास 10 रुपये है तो कितने रुपए निकल जाते हैं उसमें से, और कितने बच जाते हैं, फिर जो 8 बचता है ना उसका कितना खाया जाता है दोबारा 20%, समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी होगा ना मैं 20% आपको देने होता, लेकिन अगली बार मैं जो तुम्हें दूंगा क्या वो सेम होगा पुराने वाले से, वो भी कितने से गिरा होगा 20% से गिरा होगा। तुम समझे मैंने बड़ा अच्छा बोला है बात,
every time your depreciation will also reduce by 20%, because if value is reducing by 20%, depreciation will also reduce by 20%. तो अगर एंड इफ समथिंग रिड्यूस बाय 20% तो बचा क्या 80%. पहले मैं वैल्यू सिखाता हूँ. 1,00,000 का 20% खा लिया तो 80% बचा ना. 1,00,000 का 80% क्या होता है 80,000. 80,000 का 80% क्या होता है 64,000. 64,000 का 80% क्या होता है 51,200. 51,200 का 80% 40. वैल्यू इमीडिएट निकाल सकते. समझ आया मैंने क्या बोला? सही तरीके से बोला है? एक बार ऑनलाइन में बताओ समझ आया. चलो एक बार पूरा बोल देता हूँ, दोबारा रिपीट करना होगा. अब मुझे बताओ पहले साल की डिप्रेशन कितनी 20,000. अगले साल ये 20,000 हो? नहीं. जब भाई तुम्हारी वैल्यू 20% से गिर रही है तो डिप्रिसिएशन भी 20 से नहीं गिरेगी क्या? तो बेसिकली 20,000 का 80% 16,000 का 80% 12,800 का 80% 10,240. अब कैलकुलेटर से निकाल सकते. पहले साल का तुमने निकाल दिया, उसका दुसका 80% करोगे अगले साल की डिप्रिसिएशन, उसका 80 करोगे अगले साल की, उसका 80 करोगे अगले साल. कोई अकाउंट्स वकाउंट्स नहीं है, ये तो लॉजिक है कि मेरे पास जो भी बच रहा है मैं उसका 20 दूंगा तो मेरे पास 80% ही बचेगा. और जो बच रहा है जब 20 पहले खा गया तो जब बचेगा ये 80 तो अगली बार तो कमी आएगा ना तुम्हारे पास. समझ रहे हो? चलिए. तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये कहीं रेलेवेंट आपको आएगा, बट ये दिमाग ब्रेन डेवलप होना चाहिए. मुझे बताओ बच्चे क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन? yes, में sir. हाँ चलिए गुड. सर एंट्री कैसे डलेगी बेटे? एंट्री यहाँ तो सिखा दी ना तुम्हें. ये क्या है ये? इसमें 1/4/19 को तुम एसेट खरीद रहे हो, फिक्स्ड एसेट टू बैंक. समझ रहे हो? अगले साल क्या हो जाएगा बेटा? एक सेकेंड. अगले साल जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो क्या एंट्री डालोगे? डेप्रिसिएशन टू, इफ इट इज नॉर्मल मेथड, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट. हाँ पेपर में लिखा हुआ था दोस्त. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अल्टरनेटिव नंबर 1, मतलब वो नॉर्मल वाला ही. हाँ PNL में भेज दोगे. यार सेम ही रहती है एवरेज, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का आता है या वो है. सेकेंड थोड़ा लेंथी हो जाता है ये है. ठीक है एक सेकेंड. कंपनी ऑल्टरनेटिव नंबर 2, क्योंकि कंपनी के लिए यार ये थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है ना प्रोविजन वाले से. हर कंपनी वही यूज करती है. एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है उसमें. दिव्यांशी जी क्लियर है ना? ये छोटे छोटे बच्चे हो यार तुम्हारे. यहाँ कितने कितने साल के हो सारे बच्चे? 18? हाँ 20. मेरी एज कितनी होगी आइडिया लगाओ. हाँ कितनी? ओह ग्रेट, खुश कर दिया भाई तूने. तेरे को 2 चॉकलेट दूंगा मैं. 32. तूने भी थोड़ा सा खुश करा, ज़्यादा नहीं करा. मेरी है 34.
34 का। और दुष्यंत सर की कितनी लगती है? 26 35। दुष्यंत सर में से बड़े लगते हैं ना, हमारी सेम ही एज है, सेम। हाँ बट ऐसा बच्चे बोलते हैं कि वो थोड़े, मतलब वो नॉर्मल लगता है, बट मुझे लगता है मैं छोटा लगता हूँ। जब मेरी शादी हो रही थी ना, सोचो 26 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था बाल विवाह हो रहा है। तो 26 में बहुत छोटा लगता था, 21-22-20 साल का है ना। अब जब मैं वीडियो देखता हूँ ना, मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करता वो शादी की, मतलब यार ये मेरे को समझ क्यों नहीं है कितना छोटा लग रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो ये कहानी है। अब क्या है बच्चे इसमें, हाँ ठीक है, मैं एंट्रीज की बात कर रहा था। तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक हमने फर्स्ट एंट्री डाल दी, फिर जब साल खत्म हुआ तो क्या एंट्री डालूंगा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और अल्टरनेटिव टू होगा तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, फिर अगले साल फिर दोबारा डेप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मुझे बताइए क्लियर है एकदम? चलिए, तो मेरे हिसाब से कुछ होमवर्क लोगे तुम या अभी चिल करोगे लाइफ में? दे दूँ? अच्छा एक तो ये वाले नोट्स में शेयर भी कर दूंगा। सर बुक में है, जो इंस्टीट्यूट से बुक मिली है आपकी, उसमें है सर क्वेश्चंस? हाँ, जैसे अभी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ ना तुम्हें, तुम ये लगा लो दो क्लास और फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस दिखाने स्टार्ट कर दूंगा, बट अभी तुमको आसान वाले क्वेश्चंस मैं देता हूँ। यार जो बुक भी है ना वो भी तुमको मैं दे दूंगा, उसमें ना एक फाइनल एक बार बस कुछ अगर एडिट वेडिट करना ना, उसके लिए बस रुकी हुई है वो बुक। मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक पक्का से मिल जाएगी तुमको बुक। ये तो नहीं, ये भी नहीं। अगर हम एक बार यहाँ से देखें, सेवेंथ क्वेश्चन, एक बार सेवेंथ क्वेश्चन रीड करना बच्चे, मतलब कैसा लग रहा तुम्हें? हाँ अच्छा, इस पर एक चीज़ बोल भी देता हूँ, कैलेंडर ईयर है एक तो, और वो ना कैसे पता लग रहा है, हाँ लिखा भी हुआ है ना, द बुक्स आर क्लोज्ड, है ना, एक तो ये। और पता है क्या, आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ, अगर जैसे कभी भी मान लो ये ना लिखा होता, सपोज करो ये लाइन नहीं होती, अब क्या लेते आप? नहीं, अभी भी क्वेश्चन कैलेंडर ईयर बता रहा है। कैसे पता लग रहा है? देख, जब अगर मैं लिखता हूँ ना सिर्फ 2018, इसका मतलब होता है 2018 है सिर्फ, मतलब 2018 का मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर, समझ रहे हो? लेकिन अगर लिखा होता 18-19 तो वो फाइनेंशियल ईयर होता, समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बोलेगा हमेशा, अगर उसने सिर्फ 2018 लिखा है और आप अगर इसको 18-19, गलत है भाई, क्वेश्चन खुद कह रहे 2018, आप उसको 18-19 कैसे बना रहे, समझ रहे हो? तो बेसिकली इससे भी पता लगता है। अच्छा ये आराम से क्वेश्चन कर लोगे, मेरा आपसे सवाल है, आप सिर्फ मुझे मेथड बता दो, SLM कैसे पता लग रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि हर साल आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाना है, और ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो कितने रुपए बेटा हो जाएगा ना क्वेश्चन, बच्चों वाला सवाल। ठीक है, तो एक तो ये वाला आराम से कर लोगे, तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन ही होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, WDV का दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सेम ही है, सिर्फ मेथड बदल रहा है बस। और ये देख रहे हो ना, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखा हुआ, तो पेपर में अगर 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट होता है, दैट इज SLM, है ना। तो ये भी आपका मजे में होमवर्क में हो जाएगा।
ये वाला नहीं होगा, सम ऑफ ईयर है ये। मेथड्स मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा ये वाले भी, ठीक है जी। तो आपको मैं ये वाली फाइल ग्रुप में मैंने भेजी हुई है, रुक जाओ मैं भेज देता हूँ। ग्रुप में सारे बच्चे एडेड हैं? ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। और अब अपने रजिस्टर में लिख लो कौन सा होमवर्क था हमारा, सेवेंथ एंड एट्थ, ये दो क्वेश्चन कर लेना, बाकी कहानी सेट है जी। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? हाँ दोस्त, वो शेयर कर दूँ? नोट कर ले, कहाँ पे? ऊपर। हाँ ये वीडियो यूट्यूब और बैच में भी है, बस बैच में ये हो जाता है। हाँ बैच कोड है ना, उसके अंदर भी सारी वीडियोस तुम्हारे को नोटिफिकेशन आती होगी, तो अभी तक अच्छा वो कर ले, उसके अंदर भी होती है वीडियो स्ट्रक्चर्ड वे में, उसमें भी होती है। सारे बच्चे बैच में एडेड है? निहल जी इधर इधर, निशांत एडेड है, विशाल एडेड है, अच्छा गोपाल एडेड, अभी उसमें बच्चे शायद से कम दिख रहे थे, मैम से कोड ले लो ना, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो वेरी गुड, अब हम अच्छा नोट कर लिया भाई तूने, अब हम मिलेंगे फ्राइडे, और फ्राइडे को दो क्लासेस लगेंगी मेरे को डेप्रिसिएशन की, ठीक है, मतलब एक फ्राइडे और मंडे। फिर इसका टेस्ट कब रखना है फिर? हाँ नेक्स्ट वीक में ही रख लूँगा इसका टेस्ट, ठीक है सर। अभी तो स्टार्ट करा हमने, अभी से टेस्ट ले लिया आपने, चलो ठीक है बच्चे इतना रखते हैं। ऑनलाइन भी सबको क्लियर है ना, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। चलो अब आपकी क्लास कितने बजे? 2 बजे है ना, ठीक है 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, 20 मिनट है वैसे तो, ठीक है तो फिर 2 बजे आपकी इको की क्लास है बच्चों, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। क्या कह रहे दोस्त? कहाँ से आते हो बच्चों? दूर दूर से आते हो, पास से आते हो? कहाँ से? चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली, गोपाल गोल्डन टेंपल, गोल्डन टेंपल। यार मैं ना मैम भी बोलती रहती है गानों में कुछ करो, मुझे अच्छा लगता है मैम बोलते हैं, कम आवाज आते हैं। टेंपल अच्छा, इधर ग्रेट उधर भी तो है वैशाली तो दूर पड़ता है ना, कितने बजे निकलते हो? मेट्रो से आते हो? वैशाली तो उस तरफ है ना, शाद्रा उस तरफ है ना, और हाँ चलो गुड। और दिव्यांशी जी टर्मिनल कहाँ पर है? सरिता विहार, शंकर विहार कहाँ है? उसी साइड ही, शादरा साइड है उधर। और कोई जगह बताओ, शंकर विहार सुना तो हुआ है मैंने, वो पीतमपुरा से पहले चिराग दिल्ली से। यार मैं भी आसपास ही रहता हूँ मालवीय नगर, शंकर विहार कहाँ है यार इधर? हाँ मालवीय नगर में शिवालय के ब्लॉक है ना, हाँ दुष्यंत सर और मैं उधर ही रहते हैं दोनों। अच्छा मुनीरका से आ गए, तो आपका मेट्रो ये वाला स्ट्रेट है ना ये वाला? अच्छा और निशांत का?
कहाँ से? संगम विहार। संगम विहार कैसे आता है? ऑटो से? वो जो ट्रैफिक बहुत लगता है उधर संगम विहार, होता तो है तो पास में पर वो है। और विशाल कहाँ से आता है? चलो सही है। बाकी ना बच्चे पता क्या है, जैसे ना फेस टू फेस ही आना, मतलब समझ रहे हो, हम लोग ना देखते हैं फैसिलिटी मिल जाती है, ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड है, तो बच्चा ना शुरू में आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घर से ले लिया, फिर वो घर से लेने के बाद फिर आता है रिकॉर्डेड पे, फिर रिकॉर्डेड से हो जाता है सर कुछ दिखाई नहीं, सर अब क्या करना है, समझ रहे हो। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना, वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारे टाइम पे ना हम लोग की जब क्लासेस होती थी कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था, ऐसे होता ही नहीं कि भाई क्लास रिकॉर्ड हो रही है देख लेंगे या कुछ है, तो मिल जाता ना तो बच्चे को लगता है और बड़ा इजी वे आउट लगता है, बट डिसिप्लिन मेंटेन रखना उसमें, तो रेगुलर आना एकदम। और क्लासेस सही चल रही है? मैथ्स पढ़ रहे हो? मैथ्स का कौन सा चैप्टर चल रहा है? रीजनिंग LR कराया सर ने पहले। और लॉ के अंदर? अच्छा लॉ में सर मेरे एग्जांपल ले रहे हैं क्या? अभी तो नहीं लिया ना बेटे, बड़े बहुत एग्जांपल ले लेते मेरे वो हैं। मेरी और हाँ बनती नहीं है, उसमें लिया होगा ना सर, जो एक हस्बैंड चला जाता है फॉरेन, तो वो बोलता है कि मैं वहाँ से तुम्हें पे करता रहूँगा, पे करता नहीं है, वाइफ से मिल देती है उसको। अच्छा वाइफ से किसकी बनती है यार? चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फ्राइडे। पर क्लास तुम्हारी एक बार इधर, इसको तो मैं ये रखता हूँ, शाम तक मिल जाऊंगा।
बाहर शेयर में भी सुपरवाइज कर रहे हैं पहले अच्छे से सेटेड है सुना शेयर कर रहे हैं कल ये बात सर का टीम से हां कल टीम से सेटेड है रजिस्ट्रेशन अभी तो रिजल्ट आया था कल आया था मेरे को मैट रुक रहा हूँ मेरे ख्याल से सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का मिला के पास करते हैं पास तो हो जाते हैं बट नहीं तो देने पड़ेंगे ऐसे तो हां वो तो पास ही नहीं कर रहे हां जीरो जीरो हो रहे हैं मैं अपने मैथ्रो में सबको कर रहा हूं पता नहीं सब कोई सेमेस्टर वाले केक का सब बिगाड़ दे वही मैं सोचूं एक नंबर तो देते कम से कम जीरो का क्या मतलब है अरे वो पता नहीं एग्जाम से क्रेडिट में भी जीरो सब में जीरो जीरो देता मेरे बोला ऐप निकाल मैंने कि चल एबीसीडी ये अच्छा पास हो गया बाद में नीचे देखा फेल ही हुआ है नीचे पे कुरकुर है रियल है एडम है अभी प्राइस है कुछ अच्छा एक में शेयर में दो बार वो रानी में वो जब मिस्टेक थी वो सप्लाई वाली मैं पेश में नहीं आ रहा जैसे कि 20 बार सप्लाई में कुछ थी ना मिस्टेक और सप्लाई में तो इनका टैक्स पड़ी जो टैक्स लिया जो जो दो बचे वो थोड़ा अभी जैसे रजिस्ट्रेशन की सुनी नहीं मतलब लोगों ने पेपर ऐसे अभी खुलना वाले मार्च मार्च में कौन से बीकॉम वाले पिछली बार तो ऐसे ही हुआ था पर हमारे तो पिछली बार तो ऐसा था मेरा फाउंडेशन हो गया उसके बाद ये तो क्या था मेरे को ये डर लग रहा है जैसे कि कॉलेज ये सी ए का सेंटर मान लो काल का जीवन पड़ गया यहाँ तो पेपर देने आ सकते हैं पर चलो वहाँ से क्या था लेकिन फिर कॉलेज से दूर देते हैं तो आ सकते थोड़ी फास्ट हो गई है भैया थोड़ी फास्ट हो गई मतलब सारे पेपर का नीचे चल गया Thank you.
मेरे ये समझ नहीं आता है कि मैंने अकाउंट्स का ऐसा सिस्टम था कि अकाउंट्स से पूरी अलग आई थी, अकाउंट्स से पास पूरी डिफरेंट थी, और मैंने पता नहीं कैसे न कैसे करके पेपर करके पास। उसके बाद हमारा क्या था अकाउंट में सब जो बच्चे जैसे हम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर देने गए थे, तो जब हम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर देने गए तो जो वहाँ पे जो देने आए थे पेपर फोर सेमेस्टर वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, मेरे को लग रहा था फोर सेमेस्टर के वो मतलब तो पास हुआ है Thank you.
Thank you.
सीरियस सीरियस हो गया बच्चा एकदम, लग रहा है एकदम पेपर का खौफ सर पे मंडरा रहा है एकदम। हाँ शिवानी जी, बड़े दिनों बाद आई आप तो। चलो सही चल रही थी पढ़ाई? कितना पढ़ोगे यार अब? पेपर दे दो यार अब। पार्टनरशिप की करा दें मैडम, शेयर कैपिटल के बाद कोई और चैप्टर का रिवीजन का, मुझे लग रहा है इन्वेंटरी का एक लगेगा। अकाउंट करंट तो वैसे ही एक घंटे का है, अकाउंट करंट तो वैसे ही नहीं हो जाएगा, दिक्कत आ रही है उसमें। हाँ नहीं, अकाउंट करंट डाली होगी यार, एक बार मैं चेक कर लूँगा। अकाउंट करंट तो 2x करके वैसे ही देख लियो, तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। शेयर कैपिटल में मैं सोच रहा हूँ क्या क्वेश्चंस वेश्चन्स करें, या मेरे नोट्स बने हुए हैं किसी के पास एकदम सही से? मैं सोच रहा था उसी नोटबुक से ही अभी तुम्हें सारे केसेस करा दूँ फटाफट। शेयर कैपिटल में कैसी दिक्कत आती है वो है, फटाफट एक घंटे में ख़त्म करा देता हूँ। ये बच्चे तो रिविजन के लिए भी आएंगे ना। शेयर कैपिटल पहले रिवीजन करा ही देता हूँ यार एक बार ना। मैथ्स का कैसा चल रहा है बच्चे, प्रिपरेशन सही चल रही है? ओ जी आदित्य जी आए हैं, अंकुश, जसमीत, ओप्पो, ओप्पो से कौन है? साहब
घबराओ मत बेटे, पास हो जाओगे, मेहनत करी है ना, पास हो गए बिल्कुल। थोड़ी तूने तो करी है यार, ऐसी बात नहीं है यार। शेयर कैपिटल, यही हरकतें करियो बस तू ऑनलाइन में भी। हाँ हेलो हेलो शिवानी जी, हेलो। शेयर कैपिटल में सीधा एक बड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ यार, मुझे भी ना ऐसा दिख, मतलब मुझे कुछ इनपुट दे दो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो बड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें सारा होता है वैसा कर ले, और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, मतलब एक क्वेश्चन करा दूँ और शेयर कैपिटल तुम्हारा सेटल्ड है, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग से पूरा स्ट्रक्चर चाहिए वो है। अच्छा इंटरेस्ट, वो जो एडवांस इंटरेस्ट वाला पॉइंट, हाँ इंटरेस्ट वाला जो है वो बता दूंगा, है ना। एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करा देता हूँ और इंटरेस्ट वाला करा देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, एक फिर अलग से वो वाला इंटरेस्ट वाला करा दूँ। फोर फीचर्ड में ठीक है मैडम, फोर फीचर वाला पॉइंट बिल्कुल ध्यान से कर लेंगे। किसी के पास मेरा वो जो क्वेश्चन था वो पड़ा हुआ है, एक जो आखिरी एग्जांपल मैं कराता हूँ उसमें ही सारा होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट होता है, बुक में किसी के पास अभी पड़ा हुआ है? आपकी वाली बुक है? हाँ मेरी बुक नहीं, जब मैं मैंने हाँ तो जो लास्ट एग्जांपल था उसमें सारी चीज़ें थी। दस नंबर का आएगा ना बेटा, एकदम फुल एनर्जी से देखना बच्चे, दस नंबर एकदम बढ़िया से कर लेंगे। पूरी सेकंड बुक पार्टनरशिप है जो सेकंड ही तो है। अच्छा सेकंड बुक फ्राइड यार, क्या क्या इसमें फाइनल अकाउंट्स एनपीओ फिर सारे फाइनल वाले हैं और शेयर कैपिटल भी है, और वो 40 नंबर की तो है ही। 40 क्या हुआ, सेकंड बुक आती है कि नहीं आती है? यार भाई ध्यान रखना पड़ता है, मतलब ये वाली चीज़ है, स्टार्टिंग से ही ना बहुत फोकस से करना पड़ता है, मतलब कोई ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि सल्यूशन क्या होगा इसका, बट ये है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जहाँ अटकते हो वो चीज़ वो करोगे तो उसी से ही होगा। सर वो मैंने क्वेश्चन खोल के दिया था, ये वाला हाँ फेल टू पे अलॉटमेंट में, हाँ ये है ना, तो ऐसा करें ये क्वेश्चन की फोटो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा ना, है ना, सॉल्व फिर कर लेंगे इसको।
एक मिनट बच्चों, कनेक्ट होने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। आइए साहब, एनर्जी से करेंगे बेटा। 10 नंबर हैं, बहुत ही क्रिटिकल। मेरी कोशिश रहेगी मैं सारे पॉइंट्स बोल। किसमें? यार देख, इजी आते हैं। मैं तुम्हें बस अब फ्राइडे की क्लास में ना, मैं तुमको पेपर भी दिखा देता हूँ, है ना? और हाँ, एडवांस, हाँ, एक ये वाला और एडवांस वाले का लॉजिक वो मैं दे दूंगा। पेपर यार 80 मार्क्स का ना ऐसा आता है कि आपको आना चाहिए, मतलब ऐसा होता है वो पेपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन होता है कि आप समझो कि बच्चा ना, जब वो 15-20 नंबर अगर देखे, हाँ क्या पीछे के आसान लगे, तो वो ना पेपर को एग्जीक्यूट कैसे करना होता है, बच्चा ना घबरा जाता है, समझो। जब आप पेपर देखते हो ना एकदम से, तो बच्चे को लगता है यार ये आता नहीं मेरे को, तो उस चक्कर में ना वो कुछ आसान चीज़ों को भी गलती कर देता है। और जब उसको पेपर के टाइम में पता लगता है ना, सॉल्व करते करते, यार शिट, एक तो 15 नंबर का थोड़ा टफ है और मेरा ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये भी अटक गया, वहाँ नर्वस हो जाता बच्चा, फिर वो आगे की चीज़ों में भी ना वो एक कॉन्फिडेंस गिर जाता है, समझ रहे हो। अलग से पेपर देखना और बैठ के 3 घंटे पेपर देखना, बहुत फ़र्क होता है, समझ रहे हो। तो ये एक ग्लिच आ जाता है, ठीक है। पेपर वैसे ठीक होता है, आप अगर अपना नर्वस ना हो, जो कि बहुत ही ऐसा नहीं होता है, मैं बोल दूँ और तुम नर्वस नहीं हो गए। हाँ जी, ठीक है मैडम, हाँ ये वाला बता दूँगा शिवानी जी वाला, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होती है कि वैसे अभी तुम देख रहे हो ईजी लग रहा है, पेपर भी ऐसा ही होता है। तुम पास्ट एग्जामिनेशन उठा के देख लो, तुम अभी करने बैठोगे ना उसको, आराम से 70-75 नंबर का तुम्हें लगेगा सर बहुत आसान है, लेकिन पेपर में जब डिलीवर करना होता है ना उसी टाइम, तो दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत। एग्जैक्टली, और इसीलिए मैं यही बोलूँगा, मैं तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा। बैलेंस शीट के क्वेश्चन तुमको पहले 2 घंटे में करना ही नहीं है। तुमको स्टार्टिंग में क्या करना है, तुमको BRS करना है, तुमको रेक्टिफिकेशन करना है, तुमको कंसाइनमेंट करना है, समझ रहे, डेप्रिसिएशन करना है, NPO, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, आखिरी 1 घंटे में है। हाँ तो 2 क्वेश्चन तो होंगे ही, 2 क्वेश्चन तो होंगे ही ये वाले। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? अगर फाइनल अकाउंट करा और उसकी बैलेंस शीट नहीं मैच हुई, आखिरी 1 घंटा है, और तो वापस पूरा देखें, मतलब क्वेश्चन रिवाइज करें, सही करें। आई वुड नॉट सजेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैं और चीज़ें देख लेता हूँ, अगर तुझे लग रहा है तूने क्वेश्चन बहुत लेवल पे सही करा, देख एक होता है तेरे को 4 पॉइंट नहीं आता और बैलेंस शीट मैच हुई, भाई वो नहीं होगी मैच अब तेरे से। एक होता है यार मेरे को पूरा आता था, मैं 5 मिनट दे देता हूँ, हो सकता है मेरे को दिख जाए प्रॉब्लम, वो इम्प्रोवाइज करने वाली बात होती है उस टाइम पर। जैसे बैलेंस शीट कम से मैच हो रही है, 10-20 रुपए से होगी, तो कोई बात है, समझ रहे हो। जनरली होता है, लेकिन आप ऐसा वो लेके नहीं चल सकते, हो सकता है 10-10 नंबर के दोनों आ जाए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे तो मैच हो जाएगा। नहीं मैडम, नेट प्रॉफिट सबसे पहले निकालोगे तो मैच नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब फाइनल अकाउंट ऑप्शन में होता है नहीं, डिपेंड करता है बच्चे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि होता ही होता है राजी। और मतलब एक साथ करना होता है एडजस्टमेंट्स, और वो ऐसे नहीं होता कि नेट प्रॉफिट पहले निकाल लो, समझ रहे हो। चलिए आइए, अब मैं स्क्रीन पर ना एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ बच्चे। यार चलो यार, मैं अपने तरीके से ही कराता हूँ, मैं बोलता हूँ स्पीड में बोलूँगा मैं, ठीक है, आऊँगा इस क्वेश्चन पर पहले तो मुझे जो बोलना है बोलता हूँ।
नहीं नहीं कैसे गाने चलते होंगे।